गिलगित-बल्तिस्तान के पहाड़ों में रहने वाले लोगों में ज़्यादातर माल मवेशी पालते हुए गाँव की सादा ज़िंदगी गुजारते हैं। पाले हुए माल मवेशी से दूध, मक्खन और ऊन हासिल करते हैं। ऊन से ये लोग अपने लिए देसी तरीके से कपड़े तैयार करते हैं और रिवायती टोपियाँ और चोगे बनाते हैं इनसे। ये रिवायती लिबास और टोपियाँ साल के 12 महीनों में शौक से पहनते हुए फ़ख्र महसूस करते हैं, क्योंकि ये उन लोगों का सकाफती हिस्से में शुमार होता है। ये पहाड़ों में ज़िंदगी गुजारने वाला एक शख्स मैंने दिखाया है आप लोगों को। तो ये इसने एक बैट को ज़िबा किया है और ज़िबा करने के बाद इसकी खाल उसने उतारी है और इसके ऊपर से अभी ये ऊन को काट के अलग कर रहा है। तो इसकी अपनी एक रिवायती अंदाज़ है, देखने को ये तो खैर अजीब सा लग रहा है, लेकिन बड़ी महारत से ये ऊन काट के अलग कर, काटने के बाद फिर इसको धो लेगा, धोने के बाद फिर अपनी तरीके से इसको अलग करेगा।